टुडे वी विल डिस्कस अ पोयम अ बर्ड केम डाउन द वॉक। दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट एमिली डिकिंसन अबाउट अ बर्ड। ये जो पोयम है ये एक बहुत ही फेमस पोएट है एमिली डिकिंसन, उनके द्वारा लिखी गई है जो कि एक बर्ड के बारे में है, एक चिड़िया के बारे में। शी डिस्क्राइब दैट द बर्ड डिड नॉट नो दैट इट वॉज बींग वॉच्ड बाय अ पेयर ऑफ ह्यूमन आइज। इसमें पोएटेस जो है वो यहाँ बताती है कि उस बर्ड को इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, उसको ये पता नहीं होता है कि उस चिड़िया को मैं देख रही हूँ या उस चिड़िया को इंसान की आंखें देख रही हैं। द बर्ड ग्रेब्ड अप अ वॉर्म एंड स्वेलोड इट विदाउट बॉदरिंग टू कुक इट। वो जो बर्ड होती है वो एक अर्थवॉर्म को पकड़ के लाती है एक और उसको खा जाती है, और कच्चा ही खा जाती है वो, उसको मतलब पकाने की चिंता नहीं करती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सॉ। एक बर्ड जो होती है वो मतलब नीचे की तरफ आती है, वॉक वॉक उसको कहते हैं, मतलब जो रोड के साइड में चलने के लिए जगह बनी होती है उसको वॉक कहते हैं। द अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक जो बर्ड होती है वो नीचे की तरफ आती है। ही डिड नॉट नो आई सॉ, उसको ये पता नहीं होता है कि मैं उसे देख रही हूँ। ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाउस, वो एक एंगल वॉर्म को पकड़ के लाती है, इस अर्थ वॉर्म को पकड़ती है और उसको बीच में से काट देती है, दो टुकड़े कर देती है। एंड एट द फेलो रॉ, और उस अर्थ वॉर्म को वो खा जाती है, और रॉ खा जाती है, रॉ यानी कच्चा, कच्चा ही वो उसको खा जाती है। एंड देन ही ड्रिंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। उसके बाद वो क्या करती है कि वो एक ड्यू यानी एक ओस का जो बूंद होता है उसको पी लेती है जो कि वहीं एक घास पर आसानी से उपलब्ध है। एंड देन हॉप्ड साइडवाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास, और उसके बाद वो फुदकती है यानी हॉप यानी उछलना या फुदकना, फुदक के वो साइड में होती है, दीवार की तरफ आ जाती है खसक करके, टू लेट अ बीटल पास, ताकि एक बीटल जो है वहाँ से गुजर सके। बीटल यानी एक छोटा सा जो कीड़ा होता है उसको वो रास्ता देती है। तो अब यहाँ पर हमको चिड़िया का एक दूसरा रूप दिखाया जा रहा है। पहले में हमको ये दिखाया गया कि चिड़िया जो है वो एक शिकारी है, उसने एक अर्थवॉर्म को दो टुकड़े करके कच्चा ही खा गया है ना, और यहाँ पर उसका एक दूसरा रूप दिखाया जा रहा है कि वो साइड हो जाती है, बाजू में खसक जाती है, ताकि एक जो कीड़ा है वो वहाँ से गुजर सके। यानी उसको अपने आसपास के जीव जंतुओं की चिंता भी है, फिक्र भी है। ही ग्लांस्ड विथ रैपिड आइज दैट हरिड ऑल अबाउट। ही ग्लांस्ड विथ रैपिड आइज, वो अपनी मतलब आँखों से देखती है, और उसकी आँखें कैसी हो रही है, रैपिड आइज यानी काफ़ी तेजी से इधर उधर घुमा रही है अपनी आँखों, मतलब ऐसा कोई डरा हुआ इंसान होता है ना, चारों तरफ देखता है घबराया हुआ। डेट हरिड ऑल अब्रॉड, जो चारों तरफ घूम रही है। द लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीट्स, उसकी जो आँखें हैं वो लग रही है कैसी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डरी हुई, और बीट्स यानी मोती। तो उसकी जो आँखें हैं वो है तो बड़ी सुंदर मोती हो जैसे, लेकिन वो कैसी है, डरी हुई है, काफ़ी डरी हुई लग रही है, और उसको चारों तरफ घुमा रही है। आई थॉट, मुझे लगा। ही स्टीड हिज वेलवेट हेड, उसने अपने सर को हिलाया, उसका सर कैसा था, वेलवेट जैसा था। वेलवेट कैसा होता है बच्चों, मखमल मुलायम, काफ़ी नरम होता है ना, तो उसका जो सर था वो काफ़ी नरम था, काफ़ी मुलायम था। लाइक इन वन डेंजर कॉशियस, जैसे कि कोई एक खतरे में होता है और काफ़ी सावधान होता है, काफ़ी सतर्क होता है। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम, मैंने उसको एक क्रम ऑफर किया। क्रम यानी एक टुकड़ा होता है, जो रोटी का भी टुकड़ा हो सकता है या ब्रेड का भी टुकड़ा हो सकता है। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, लेकिन उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने जो रोटी का टुकड़ा उसको ऑफर किया तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, इसके विपरीत, ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, उसने अपने पंखों को खोला। एंड रोव्ड हिम सॉफ्टर होम, और धीरे धीरे रोव्ड क्या होता है बेटा, जो हम मतलब नाव चलाते हैं पानी के अंदर, जो चप्पू चलाते हैं उसको कहते हैं रो। तो यहाँ पर ऐसे उसने अपने पंखों को खोला, और जैसे एक नाविक जो है नाव को चप्पू से चलाता है और धीरे धीरे नाव आगे बढ़ती है, उसी तरीके से मतलब सॉफ्टर वे में, एकदम धीमे तरीके से, बहुत ही शांति के साथ वो जो पक्षी था वो उड़कर चला गया अपने होम की तरफ। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन टू सिल्वर फॉर अ सी। अब क्या होता है, ओर्स कहते हैं बेटा पतवार को, जिससे नाव चलाई जाती है। तो जो ओर्स होते हैं, जो पतवार होती है, जब उसको चलाया जाता है पानी में तो वो पानी को काटती है, उसको चीरती है। टू सिल्वर फॉर अ सीम, लेकिन वो इस तरीके से पानी को काटती है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उछाल नहीं होता है, परत नहीं होता, काफ़ी शांति से वो पानी को अंदर ही अंदर ढकेलती है।
और नाव आगे की तरफ बढ़ती है और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून और जैसे कि जो तितलियां होती है दोपहर में, मतलब वो दोपहर के किनारे में जैसे उड़ती है इधर उधर कूदती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ मतलब चिड़िया का जो जाना है उसको बड़े शांति से जाना बताया गया। जैसे एक नाव समुद्र के अंदर चलती है धीरे धीरे शांति के साथ गुजरती है, उसी तरीके से मतलब यहाँ चिड़िया के उड़ने को उस शांति से दर्शाया गया जैसे एक नाव शांति से चलती है और बिना किसी आवाज़ किए लीप ब्लैशलेस एज दे स्विम, है ना। जैसे कि यहाँ जो वो तितलियाँ उड़ती हैं तो उनको मतलब उड़ने को यहाँ पर तैरने से कहा गया है, तैरना बताया गया है। तो जैसे वो बिना आवाज़ किए उड़ती है तो वैसे ही चिड़िया जो है बिना आवाज़ किए हुए अपने घर की तरफ चली गई और उड़ गई।